जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो नवरात्रि के ऊपर ही है, क्योंकि अभी नवरात्रे आने वाले हैं और वो भी क्वार के नवरात्रे। ये नवरात्रे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। नवरात्रे तो चैत के भी आते हैं और गुप्त नवरात्रि भी आती हैं, लेकिन जो क्वार के नवरात्रे आते हैं इनका अपने आप में एक विशेष ही महत्व है। आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब दूसरे नवरात्रे आते हैं तब आपकी भावनाएं कैसी होती हैं। जब गुप्त नवरात्रे आते हैं तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं लगता कि गुप्त नवरात्रे कब से हैं या कब वो निकल गए या कब शुरू हो गए। और जब ये क्वार के नवरात्रे आते हैं फिर आपकी भावनाएं कैसी होती हैं, आपके अंदर की लगन भाव एक विशेष, उसके अंदर विशेष लगाव होता है, विशेष आकर्षण सा होता है जब क्वार के नवरात्रे आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हैं ही विशेष और महत्वपूर्ण भी हैं, इसीलिए ऐसा होता है। खैर, आज जो मैं आपको बताऊंगा इसी विषय पर मैं आपको बताऊंगा। दूसरा एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर पहले बता दूं कि देखिए, बहुत से व्यक्ति पूछते रहते हैं, मैसेज करके पूछेंगे या कमेंट में पूछेंगे कि ये हमें इसकी साधना दे दीजिए या इस साधना के ऊपर वीडियो बना दीजिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि साधनाओं पर वीडियो मैंने बहुत सारी बनाई हैं और बनी हुई हैं, इसलिए पहले चैनल पर जा करके वहाँ सर्च करके आप देख लें कि भाई आपके लायक वीडियो वहाँ है या नहीं है। क्योंकि जिनको वो पूछते हैं या जिनको वो कहते हैं उनकी मैं वीडियोस बना चुका हूँ और वो चैनल पर सिद्ध सावर मंत्र पर ही हैं, तो इसलिए उनको मैं बताना चाहता हूँ ये। तो ठीक है, अब दूसरी बात कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही जो बेल का बटन है उस पर प्रेस करके और ऑल का फंक्शन आता है उस पर क्लिक करें। उससे क्या होगा कि आपके सामने ऑल जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने आती रहेंगी, और अगर मैं कोई नई वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाएगा। मतलब आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर आप बेल के बटन को प्रेस नहीं करोगे ना तो आप जो मैं नई वीडियो डालता हूँ वो आपके सामने नहीं आ पाएंगी, आप उसको देखने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे भी मैं बोल रहा हूँ कि वो भी अपने बेल के बटन को एक बार चेक कर लें। ठीक है, दूसरा, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, उनको नवरात्रि जो आने वाली है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आपकी साधना सफल हो, मेरी यही दुआ आशीर्वाद है आपके साथ। और उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ अपना एक्स्ट्रा ज्ञान जो है कमेंट में दे देते हैं, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो ज्ञान उनके पास है उसको वैसे वो अपने पास ही सीमित रखें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग दूसरी वीडियो देखते हैं उसी को ज्ञान समझ लेते हैं, जबकि वो सत्यता नहीं होती है, वो सिर्फ वीडियो बनाई हुई होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस टॉपिक पर, नवरात्रि में साधनाएं कैसे करते हैं वो तो मैं बना चुका हूँ, और नवरात्रि में बटुक भैरव साधना या भैरव साधना कैसे की जाए, क्या इसका महत्व है, इसके ऊपर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत से व्यक्ति बटुक भैरव की साधना की सामग्री लेकर के और वो कर भी रहे हैं साधना। अब नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि में भी विशेष महत्व हो जाता है इस साधना का, क्योंकि माता के साथ भैरव हर वक्त रहते हैं। और आपने देखा भी होगा जब वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां भी भैरव जी का स्थान है, वहां भी पूजा भैरव जी की होती है, और भैरव की पूजा के बिना कोई भी पूजा संपन्न भी नहीं होती है, क्योंकि भैरव को एक विशेष स्थान दिया जाता है। और भैरव का मतलब है
भय को खत्म करने वाला। अगर आपके मन के अंदर भय है तो उस भय को खत्म करने के लिए भैरव साधना की जाती है। अब इसमें बटुक भैरव साधना भी है। अब बटुक का मतलब क्या होता है? बटुक का मतलब होता है छोटा बच्चा, बटुक बोलते हैं उसको, बटुक भैरव। जब छोटे छोटा भैरव मतलब कि जब वो बच्चे बालकपन में थे छोटे से, तो तब की उनकी साधना। अब बटुक भैरव का मतलब है कि 52 भैरव की साधना एक ही साथ, क्योंकि बटुक माने छोटा होता है और जो छोटे स्वरूप में है सभी भैरव का स्वरूप उनके अंदर सम्मिलित है। तो 52 भैरव की साधना बटुक भैरव साधना, और इस साधना को जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में तो विशेष महत्व हो जाता है इसका। पहले माता की पूजा करें भाई, आप जैसे भी अपने घर में नवरात्रि में, जैसे भी आप अपने पूजा रूम में माता की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। कोई व्यक्ति जौ बोता है, कोई अखंड जोत जलाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई लौंग चढ़ाता है, कोई इलायची चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। माता की पूजा दुनिया भर के अपने अपने तरीके से लोग करते हैं, तो उसी तरीके से आप माता की पूजा भी कर सकते हैं और भैरव जी की भी साधना कर सकते हैं। अब भैरव साधना करने से आपको क्या क्या चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि बटुक भैरव की साधना प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। साधना बहुत सरल है और शीघ्र सफलतादायक भी है। मैंने इस साधना के भी लिए बहुत से व्यक्तियों के अनुभव भी मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं। उनको इतने ज़बरदस्त अनुभव हुए हैं इस साधना के कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शत्रुओं की ऐसी बोलती बंद हो गई, शत्रुओं का ऐसा सबका बिस्तरा गोल हो गया कि पता ही नहीं चला कब में कर हुआ सब। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी चीज़ है साधना में भाव होना, साधना में आपकी लगन होना मेन चीज ये होती है। बहुत से लोग कहते रहते हैं कि जी हमें साधना में अनुभव नहीं हो रहे हैं, हमें साधना सिद्ध नहीं हो रही है। कई कई बार हमने साधना कर ली लेकिन फिर भी साधना सिद्ध नहीं हो रही है, तो वहां कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। अब गलती चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां भी मायने रखती हैं। कैसे? आप मंत्र जाप सही से नहीं कर रहे हैं, या फिर आप साधना तो कर रहे हैं लेकिन यम नियम के सिद्धांत का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। अब वो कैसे कि भाई साधना आप कर रहे हैं लेकिन पता लगा कि आप चार व्यक्तियों के बीच में बैठ के चुगली चपाटी भी कर रहे हैं, ईर्ष्या भी कर रहे हैं वहां पर, एक दूसरे को गाली भी दे रहे हैं, और साथ में ही किसी की बहन या बेटी या बहू निकल करके जा रही है तो उसके बारे में गलत सोच भी रहे हैं और गलत कह भी रहे हैं, और करने के लिए आप साधना कर रहे हैं कि नहीं जी मैं तो साधना कर रहा हूं और मैंने तो जो है 21 दिन पूरी कर ली। अरे 21 दिन तूने क्या कर ली? तूने तो वो और सारा अपने सर के ऊपर पाप और उड़ेल लिया। सच्चाई तो ये है। तो साधना में फिर आपको जो है नहीं अनुभव आएंगे और ना ही आपके कार्य पूरे होते हैं। साधना उन्हीं की पूर्ण होती है जो भोले भाले सरल हृदय के, सात्विक भोजन करने वाले, सात्विक विचारों वाले। उन्हीं की साधना सरल होती है। लगन और मेहनत के साथ, भाव के साथ साधना करोगे तो फिर साधना में आपको अनुभव भी होंगे, साधना में आपका कार्य भी होगा। अब ये जो देखो भैरव साधना है, ये साधना तीव्र भी है और सफलतादायक भी है बहुत जल्दी, और इसकी पूजा पद्धति भी ना के बराबर है। ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना ही इसमें ऐसा है कि भई आप आँख ही बंद करके साधना करो, ऐसी भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। आँख खुली रख करके भी कर सकते हो। जो भैरव जी की तस्वीर होती है सामने, उस पर आप अपनी दृष्टि डालिए और साधना करो, या यंत्र होता है उसके ऊपर अपनी दृष्टि डालिए और साधना करो। और देखिए बटुक भैरव की साधना के लिए मैंने कई वीडियोज़ बनाई हुई हैं पहले, और दो तीन तरह की वीडियो बनाई हुई हैं। वहाँ पर क्या है कि साधना की पद्धति थोड़ी थोड़ी डिफरेंस में है, अलग अलग है।
किसी में लाल मूंगे की माला इस्तेमाल हुई है तो किसी में काले हकीक की माला इस्तेमाल की गई है। कहीं पर ताम्र पत्र वाला यंत्र बताया गया है तो कहीं पर ताबीज वाला यंत्र बताया गया है। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, वो तो ठीक है लिख देंगे जी हमें बटुक भैरव की साधना की सामग्री चाहिए, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हमें कौन सी की चाहिए, हमें ताबीज वाला यंत्र चाहिए या फिर हमें ताम्र पत्र वाला चाहिए। तो भाई कम से कम इतना तो बोल दो तो मुझे भी पता लग जाए कि फिर इनको ये चीज चाहिए, क्योंकि गलती से कहीं दूसरी चीज ना पहुंच जाए। तो इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, जहां पर ताबीज वाला यंत्र बताया गया हो तो वहां पर लिख करके भेजें। कमेंट में जो व्हाट्सअप करते हैं वहां पर लिख करके भेजें कि ताबीज वाला यंत्र हमें चाहिए, ठीक है। अब जो ये भैरव साधना है बटुक भैरव वाली, खोए हुए बच्चों को या पुरुषों का पता लगाने के लिए बहुत अच्छी साधना है, ठीक है। और आजकल ऐसा हो जाता है कि भाई बच्चे खो भी जाते हैं, अपहरण हो जाता है, उनके माता पिता को कितना दुख होता होगा। तो ऐसे खोए हुए बच्चों के बारे में कि भाई सही समय पर कहाँ हैं, कैसे हैं, तो इस चीज़ का आप इस साधना के द्वारा पता लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ कि किसी भी स्थिति में आप निज की तिज ना बताएं। किसी की चोरी हो गई है कोई चीज़ तो उसको निज की तिज ना बताएं, वरना आप अपने लिए दुश्मन पैदा कर लोगे। अब वो दुश्मन आपके साथ फिर क्या करता है, क्योंकि किसका कब माइंड सनक जाए कुछ नहीं पता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के करें। कई बार क्या होता है कि लोग कह देते हैं और फिर दुश्मनी बन जाती है उससे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप बटुक भैरव की साधना करते हैं तो फिर किसी भी प्रकार का रोग आपको हो वो रोग समाप्त होगा लगातार बटुक भैरव की साधना करने से। और बटुक भैरव के लिए मंत्र मैंने आपको बताया हुआ है, ओम रीम बटुकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम। इस मंत्र का जो जाप है वो शुद्धता के साथ होना चाहिए, भले ही कम माला हो, कम संख्या में मंत्र जाप हो, लेकिन जितना हो उतना शुद्ध होना चाहिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। अब होता क्या है कि किसी भी प्रकार का जैसे मान लिया रोग है, किसी दूसरे को भी है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने लिए ही करें, किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। चोरी पता लगाना तो इसमें थोड़ा सा पर्दा डाल के रखें, ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वशीकरण प्रयोग जरूर होता है इससे, उच्चाटन वो भी होता है इससे, शत्रुओं का मान मर्दन, क्योंकि ऐसे समाज में जहां आप रह रहे हैं वहां मित्र तो होंगे ही होंगे, आपके शत्रु भी बहुत होंगे। अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊंचाइयां चढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक शत्रु आपके पैदा हो जाएंगे, बनाने की जरूरत नहीं है, खुद हो जाएंगे पैदा। अब वो कैसे पैदा होंगे सब कलयुग की मेहरबानी है। अब शत्रु किसी ना किसी रूप से आपको परेशान करते हैं, उसमें कोई भी हो सकता है, चाहे आपका सगा भाई हो, पड़ोसी हो, या कोई व्यापारिक आपका प्रतिद्वंदी हो सकता है, ठीक है, पुरुष कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, या राज्य पक्ष से भी कोई हो सकता है, कोई भी व्यक्ति आपसे शत्रु का भाव जो भी रखे उसकी मनोवृत्ति जो है वो बदल जाएगी अगर आप इसकी साधना करें। अगर वो अपनी मनोवृत्ति को नहीं बदलता है तो उसका उच्चाटन ही सीधा सीधा हो जाएगा। वो सारी चीज भैरव जी के ऊपर डिपेंड करती है। और नवरात्रि में इस साधना को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए जिनके पास सामग्री है, जो सामग्री पहले ले चुके हैं, वो उसी सामग्री से नवरात्रि में साधना करें, 9 दिन तक साधना करें, ठीक है, दिन रात दोनों टाइम मंत्र जाप करें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दिन में नहीं कर सकते हैं, दिन में भी आप मंत्र जाप करें, रात्रि में भी आप मंत्र जाप करें। मेरे कहने का मतलब है 9 दिन तक कम से कम 100 माला प्रतिदिन आप निकालिए, 100 माला प्रतिदिन जाप कीजिए। भाई सुबह को करो, दोपहर को करो, रात्रि में करो, 3-3 टाइम करो अगर आप बिजी नहीं हैं। अब जो नौकरी पैसे वाले हैं या जो बिजी व्यक्ति हैं वो तो इतनी साधना नहीं कर पाएंगे, वो
अपनी लिमिट की कर सकते हैं, रात्रि के टाइम भी कर सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि ये विशेष दिन है तो इसमें आपको जल्दी ही अनुभव भी आएंगे और सफलता भी आपको जल्दी ही मिलेगी इसमें, ठीक है। अब नवरात्रि में कैसे करनी है, पहले आप माता का पूजन कर लें, ठीक है, या गुरु, अपने गुरु का तो देखिए पूजन आपको करना ही करना है, वो वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ बताई है, जो बटुक भैरव की जो साधना की वीडियोस हैं, खाली आप बटुक नाम जो है टाइप करेंगे, सर्च करेंगे मेरे चैनल पर जा करके, खाली यूट्यूब पर नहीं, यूट्यूब में मेरा चैनल आपको ओपन करना होगा सिद्ध सावर मंत्र, और वहां पर सर्च बटन में जा करके बटुक अंग्रेजी में टाइप करें या हिंदी में टाइप करें, और सर्च पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारी वीडियोस आ जाएंगी, उन वीडियोस को ध्यान से देखना किस तरीके से उसमें साधना मैंने बताई है, उसी प्रकार से करना, गुरु का पूजन भी होगा, गुरु के मंत्र जाप भी आपको करना है, 1 माला 2 माला जो भी आपकी मर्जी है, और इसमें रक्षा मंत्र की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं लगाने की, क्योंकि भैरव तो स्वयं ही रक्षक हैं, रक्षक देव तो वो स्वयं ही हैं, और माता के तो अंग रक्षक हैं, माता के तो साथ रहते हैं, माँ की पूजा आपको करनी ही करनी है, साथ में भैरव जी की पूजा करो, फिर देखिए आप कैसा कमाल होता है। अब इसको जो है मान लिया आपके पास सामग्री है, सामग्री आप रख दें, ठीक है, सामग्री के साथ ही पूजा करें, 9 दिन पूजा करें, 10 दिन करें, दशहरे तक करें, 10 दिन तक आप करें। अब 10 दिन में आप कितने मंत्र जाप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जितना भी कर सकते हैं उतना करो, तो आपको 10 ही दिन में आपको जो है कहीं ना कहीं अनुभव भी आएंगे, आपके मंत्र के अंदर पावर भी बढ़ेगी, और जो लोग पहले से साधना कर चुके हैं 21 दिन की कई कई बार कर चुके हैं, तो उन लोगों से भी मैं बोलता हूं कि आप बटुक भैरव की साधना को नवरात्रि में भी आप जरूर करें, अगर कर सकते हैं, टाइम अगर आपको मिलता है तो फिर इसको जरूर करें, क्योंकि ये साधना कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, ये बहुत उच्च लेवल की साधना है, भैरव साधना जो होती है। अब भैरव जी को कई प्रकार से मंत्र जाप भी किए जाते हैं, कई प्रकार की साधना पद्धतियां भी होती हैं, क्योंकि जो भैरव जी की साधना है वो शमशान में भी की जाती है, लोग वहां पर मांस और मदिरा की बलि देते हैं। अब मंत्र तो उसमें वही होता है जो आज आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम भम भैरवाय नमः, ठीक है बस, या कोई और दूसरा मंत्र होगा, या खाली बीज मंत्र भी हो सकता है, बीज मंत्र भ्रम भ्रम भ्रम, तो इस तरीके से वहां पर भी साधनाएं करते हैं, लेकिन पद्धति अलग है। और यहां जो मैं बता रहा हूं, यहां आपको सात्विक तरीके से बता रहा हूं, वहां क्या होगा, शमशान में अगर आप इस तरीके से जो वामार्गी साधनाएं हैं अगर आप वो करते हैं और वहां आपसे कोई गलती हो गई तो समझिए कि फिर आपकी मुसीबत खड़ी हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि वो तीव्र जो पद्धति है, और यहां पर यह सात्विक पद्धति है, यहां अगर आपसे कोई गलती भी हो गई तो फिर कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, साधना बीच में छूट भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर आपको ये फायदा है, वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान है। फिर दूसरा, और भी कई तरीके की साधना पद्धतियां होती है, भैरव भैरवी की साधना होती है, जिसको कि वो शमशान में बिल्कुल नग्न अवस्था में बैठ करके दोनों करते हैं, एक दूसरे को आलिंगन करते हुए, और वो साधना पद्धति की जाती है, उसमें दोनों को ही फायदा होता है, भैरव स्वरूप जो पुरुष होगा और जो स्त्री होगी उसको भी, उन दोनों को ही उसमें शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन उसको भी करने का एक तरीका होता है अलग अलग तरीके से, उसके लिए दोनों का राजी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। खैर, हमारा उस उद्देश्य पर नहीं जाना है हमें, जो दूसरी ये पद्धतियाँ हैं वहाँ हमारे कोई मतलब ही नहीं है, हम इधर सात्विक पद्धति की बात करें। खैर, मैं बताते बताते निकल जाता हूँ, पता नहीं कहाँ आगे आगे घूम जाता हूँ, क्योंकि जो नहीं बताना है उसको भी वहाँ बताना शुरू कर दिया है, ये भी एक समस्या है मेरे सामने, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ तो फिर निकलता ही चला जाता हूँ आगे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो नवरात्रे हैं, नवरात्रे में आपको पूजन करना है, नवरात्रि में ही आपको मंत्र जाप करना है, और पूरे नवरात्रि से लेकर दशहरे तक आप करें, यानी 10 दिन हो जाते हैं,
दशहरे में आप दशहरे वाले दिन आप रात्रि में हवन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 14 तारीख को जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण में भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र जाप करें, चाहे साबर करें चाहे भैरव जी का करें। और आपको एक चीज और बता दूं, जो आने वाली पूर्णिमा है, शायद मेरे विचार से 28 की है या 29 की है, ये तो पक्का मुझे भी याद नहीं है, अभी देखना पड़ेगा जो जंत्री है उसमें। लेकिन उस दिन भी चंद्र ग्रहण है और वो चंद्र ग्रहण आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में दिखाई देगा पूर्ण रूप से। और चंद्र ग्रहण और अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, किन्नरी और दूसरी ओर जितनी भी ये साधनाएं हैं, निम्न लेवल की साधनाएं बोली जाती है, हालांकि अप्सरा साधना तो उच्च लेवल की साधना है, इन साधनाओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में ये साधनाएं जल्दी सिद्ध होती हैं। खैर, इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है, चंद्र ग्रहण और अप्सरा के ऊपर एक वीडियो अलग से दूंगा, तो उसमें इन सभी बातों का विवेचन मैं करूंगा। खैर, यहां पर जो बात चल रही है, यहां पर चल रही है केवल भैरव साधना की। अब माता को भी आप भोग लगाएंगे, माता का भी आप पुष्प से, धूप से, दीप से, सब तरीके से पूजन करेंगे। दूसरा, दीपक जलाने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि माता के सामने ऑलरेडी आपने अखंड दीपक लगाया हुआ है, ठीक है। जब अखंड दीपक लगा हुआ है तो भैरव जी के नाम से भी वो अखंड दीपक चल रहा है, यहां आपको ये भी फायदा हो जाता है। भैरव जी को आप भोग लगा सकते हैं, कोई भी भोग लगाएं, इमरती का भोग लगाएं, पापड़ का लगाएं, खीर पूड़ी का लगाएं, किसी भी चीज का लगाएं, भैरव के सामने सब कुछ जायज है, सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं वो। आप जिस चीज का भोग लगाना चाहें लगाएं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको सात्विक रखना चाहते हो या उनको तामसिक बनाना चाहते हो। सात्विक रखना चाहते हो तो सात्विक ही भोग लगाना, तामसिक मत लगा देना, क्योंकि वहां माता भी बैठी हैं, इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। और दूसरी बात, साधना की जो पद्धति है या साधना का जो तरीका है, जो मैंने बताया है और भी बहुत सी साधनाओं में और यहां भी मैं बता रहा हूं, उन चीजों को आप अपने से तोड़ने मरोड़ने का प्रयास ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी, आपको अगर प्रॉब्लम है, आप अगर साधनाओं में जो चीज चाहिए, जो चीज होनी चाहिए, अगर उस चीज को पूरा नहीं करते हैं तो गलती आपकी है। आपकी वजह से साधना की विधि को नहीं मोड़ा जा सकता, आपको मुड़ना होगा साधना की विधि की तरफ कि भाई साधना की विधि ये है तो हमें कैसे टाइम निकालना है या हमें कैसे उस चीज का इंतजाम हमें करना है, ना कि हम साधना की विधि को चेंज कर दें। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है, घातक होता है वो। तो इसलिए साधना की विधि को चेंज करने का या मुझसे पूछ करके उसको करवाने का बिल्कुल प्रयास ना करें। आपको मुड़ना होगा उस हिसाब से जिस हिसाब से साधना है या जिस हिसाब से साधना की विधि है। अगर साधना की विधि में रात्रि बताया गया तो फिर रात्रि में ही आपको करनी होगी, दिन में या रात्रि दोनों में बताया गया तो फिर दोनों में ही करनी होगी, या फिर बोला गया कि सुबह के टाइम कर सकते हो, रात्रि में भी कर सकते हो, तो वो तो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन आप कहने लगो कि जी मैं तो नौकरी है, मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे मेरी रात की ड्यूटी रहती है, या मेरे पास में कमरा ही नहीं है, मेरे पास में तो पूजा घर में उसी में सोते हैं, उसी में हम पूजा करते हैं, तो भाई देखो ये प्रॉब्लम आपकी है, आपकी वजह से साधना की विधि नहीं तोड़ी मरोड़ी जा सकती है। वो आप जो आप उस चीज को तरफ से, आप चाहे उसमें कमरा दूसरा लें, किराए पर लें, मंदिर में करें, बाहर करें, कैसे भी करें, लेकिन वो काम आपको करना है, ना कि आप विधि को तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक है। ये भी बात मैंने यहाँ पर क्लियर की है। अब दूसरी बात, साधना में जो भैरव जी की साधना आप करेंगे उसमें आपको अनुभव जरूर होंगे नवरात्रि में। कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी रूप में दिखाई दे सकता है, काला व्यक्ति भी दिखाई दे सकता है, आपको डरावना स्वप्न भी आ सकता है, या फिर सोते हुए आपको ऐसा लगेगा, या खुली आंखों से भी हो सकता है, आप साधना करने लगेंगे क्योंकि कुत्ते भौंकने शुरू हो जाएंगे, कुत्ते रोने शुरू हो जाएंगे, पता लगेगा कि सुनसान बिल्कुल एरिया है और कुत्ता रो रहा है, पता नहीं कहाँ रो रहा है,
और जैसे ही आप साधना चालू करोगे कोरोना शुरू कर देगा, साधना बंद करोगे वो भी बंद हो जाएगा, पता लगेगा कहीं कौवा ही काँव काँव करने लगा। तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो ये अनुभव ही हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि वो अनुभव नहीं है। अगर वो चीज़ हो रही है तो ये भी चीज़ आप समझ लेना कि आपकी जो साधना है वो बिल्कुल एकदम सही दिशा में चल रही है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है साधना में, अगर आपको इस प्रकार के अनुभव आते हैं। दूसरा, आपके पास कोई भी व्यक्ति जैसे साधना कर रहे हो, साधना में तुरंत ऐसा लगेगा कि कोई अंदर आया है, काली काली परछाई आकर के पीछे खड़ी हो गई, डरने की जरूरत नहीं है, काली काली परछाई आके पीछे खड़ी हुई है ना, खड़ी रहने दो उसको, आप अपना मंत्र जाप करते रहो बस, क्योंकि वो आपकी परीक्षा लेने के लिए जब आप उनको बुला रहे हो तो वो आएंगे, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए वो जरूर आएंगे। तो इसलिए आपको वहाँ पर डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि भाई आप डरें या फिर आप भयभीत होकर के एकदम से ऐसे हिल जाएं पूरे, तो वो सब चीज़ें ठीक नहीं, क्योंकि माँ आपके साथ बैठी हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, आपकी सुरक्षा तो वैसे ही हो रही है, आपको सुरक्षा की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ माता बैठी हुई सुरक्षा कर रही है उसके सामने तुम बैठे हो, उसकी गोद में बैठ करके साधना कर रहे हो, तो फिर ज़रूरत किस चीज़ की है। गुरु आपके साथ बैठे हुए हैं, गुरु जी का आपने पहले से ही पूजन करके, गुरु मंत्र जाप करके, आज्ञा लेकर के फिर आपने साधना शुरू की है, नेगेटिव एनर्जी की तो बात ही छोड़ दो। जहाँ अखंड ज्योत माता की जल गई, दुर्गा माँ महारानी की, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि ज्योति जब जलती है, अखंड ज्योति जब जलती है, तो पूरे एरिए में जहाँ भी नेगेटिव एनर्जी होगी उस सारी नेगेटिव एनर्जी भस्म होती रहती है, उसकी दीपक की लौ में। दीपक जलाने का यही फायदा होता है, इसीलिए दीपक जलाया भी जाता है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो सब कुछ उसी में भस्म हो जाती है। तो इसलिए वो तो बात छोड़ ही दो कि भाई आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी उसमें, या सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता है, बेधड़क होकर के साधना करना, कोई भी साधना करना। अब बात आती है कि भाई इसके फायदे क्या हैं। देखिए, अगर आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप ये बटुक भैरव साधना कर सकते हो, भैरव साधना कर सकते हो, महाभैरव कर सकते हो, जो भी हो उसकी साधना तुम नवरात्रे में करो। मैं तो कहता हूं कि 9 दिन पूरी तरीके से करो, बड़े लगन से करो, मेहनत प्रेम से करो, एक लगाव होना चाहिए उस शक्ति से जिसकी भी साधना करो। मैं ये नहीं कहता कि भाई तुम भैरव की करो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी इच्छा करती है कि मैं अप्सरा की साधना करूं, मैं यक्षिणी की साधना करूं, मैं 10 महाविद्या में से कोई दूसरी करूं या हनुमान साधना करूं, तो वो भी कर सकते हो, उसकी भी वीडियोज मैंने दी है, लेकिन विधि वही रहेगी। जो उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है या फिर आपको जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, वो विधि वही रहेगी, अलग से आप चौकी लगाएंगे उसमें। कैसे? मान लिया कि आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और जबकि माता की जोत जली हुई है आपकी उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ, और आपका मुख जो है जब माता की पूजन करते हो तो उत्तर या पूर्व होता है, तो अब आप उसमें कैसे करेंगे? थोड़ा सा हट करके, पूजन तो वही होगा माता का, थोड़ा सा हट करके और साइड में आ जाएं, अपने बैठने का स्थान माता के बिल्कुल साइड में रखें और मुख अपना दक्षिण दिशा की तरफ कर दें, सामने चौकी लगा दें, चौकी पर आपको जो भी साधना करनी है उसके लिए अलग से करें, ऐसा कर सकते हो। कमरा वही रहेगा, कमरे में दिक्कत नहीं है कि कमरा तुम्हें अलग से करना पड़ेगा, नहीं, जहाँ ज्योति जली है वहीं पर, माता की जहाँ ज्योति आपने नवरात्रि में जला दी है वहीं पर उसी रूम में साधना करो। हाँ, इतना जरूर है कि जो आपके सगे संबंधी या जो भी घर में रहते हैं जब आप साधना करो तो उस वक्त में वो प्रवेश ना करें उस कमरे में। वैसे पूजा करने के लिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने भैरव जी की साधना शुरू कर दिया तो कोई दूसरा उसमें जा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा भाई, माता और भैरव जी सबके लिए हैं, तो वो जा सकते हैं उसमें, पूजन कर सकते हैं वो माता का। और पूजन करके, क्योंकि वो लोग तो क्या करते हैं, घर परिवार के होते हैं, सुबह सुबह माता बहने जो भी होती हैं वो घर सुबह उन्होंने पूजन कर लिया, माता को भोग लगा दिया, बाकी तो वो पूरे दिन अपना व्रत रखती हैं, बाकी और कोई मतलब ही नहीं है फिर बाद में। तो इसलिए जब वो सब कर लें फिर आप शुरू हो जाओ, फिर तो आपका काम चालू होगा ना। जब सबका खत्म हो जाता है तब होता है हमारा काम चालू, ठीक है।
तो देखिए, ये जो साधना है भैरव साधना, वास्तव में बहुत अच्छी साधना है। किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, सभी समस्याओं के निदान के लिए बट भैरव करो, भैरव करो, महाभैरव करो, काल भैरव करो, कोई सा भी करो, लेकिन करो, कुछ तो करो। ये जीवन लिया है, इस जीवन को ऐसे ही मत खो, कुछ ना कुछ पुण्य अर्जित करो जिससे कि अगला जन्म कम से कम अच्छा मिले। मिलेगा तो जन्म ही, क्योंकि इतने बड़े धर्मात्मा तुमने ही ना, हम नहीं कि भाई बिल्कुल एकदम सारे पाप कट चुके और परमात्मा के चरणों में चले जाओगे, नहीं, धीरे धीरे आप जा पाओगे। ऐसा नहीं है, कई कई जन्मों के बाद में जब अच्छे कर्म करते चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और तब कहीं नंबर आता है वहां जाने का। अभी तो इतने पाप पहले ही कर चुके हो कि वो अगले में भोगने पड़ेंगे, तो इसलिए वो चीज तो छोड़ दो, लेकिन कम से कम इतना तो रखो कि अगला जन्म मिले तो उसमें कम से कम सुख शांति से रहें, भगवान का उसमें भजन करें, ऐसा जन्म मिले तो। इसलिए जरूर करो, और जितना हो अपना ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य जो भी तुमसे किया जाए वो करो। सबसे बड़ी चीज है कि आचरण शुद्ध होना, बस, ठीक है। तो देखिए, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसी के साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ वीडियो को। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।